हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज आपको मिलवाने वाले हैं संदीप सिंह जी से, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 एग्जामिनेशन में जेआरएफ के गोल को अचीव किया। 99.80 परसेंटाइल स्कोर बता रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग स्कोर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई संदीप जी आपको। थैंक यू सो मच सर। सोचा था कि आप इस बार जेआरएफ क्रैक कर लेंगे, स्कोर इतना आ जाएगा जब आप एग्जामिनेशन देकर निकले थे। सर बॉर्डर लाइन ही सोचा था सर, बिकॉज लग रहा था सर कि मतलब बॉर्डर लाइन ही कुछ होगा स्कोर भी अराउंड ओके, एग्जाम ठीक देने के बाद। थोड़ा है। तो आपने पेपर स्कोर टफ कैलकुलेट किया था था अपना, कितने क्वेश्चन सही हुए? एक्चुअली सर, पेपर वन में तो मैं कर पाया था अपना, बट पेपर टू का मैं श्योर नहीं था क्योंकि सर पूरा डाउनलोड हो नहीं पाया था, टेक्निकल ओके कुछ एरर था एनडीए ओके के एंड से। ओके पेपर वन का सर मैं कैलकुलेट कर पाया था ओके ओके एंड ओके ठीक है। तो आपने फिर कैलकुलेट ओवरऑल नहीं किया कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने मार्क्स आए? सर अप्रॉक्सीमेटली सर जितना मेरा एस्टिमेट है सर, तो सर लाइक 58 क्वेश्चन नियरली और 60 क्वेश्चन पेपर टू में सही हुए होंगे, ओके और सर 36-38 सर पेपर, सॉरी पेपर टू में सर मोर देन 55, लेस देन 60, और पेपर वन में सर 38 क्वेश्चन एग्जैक्टली में। ओके ओके तो 95 के आसपास आप कह रहे हैं कि शायद आपके क्वेश्चन सही होंगे ओवरऑल, अगर हम बात करें 95 से 100 के बीच में रहा होगा। ओके, नियरली नियरली सर। नियरली नियरली, ओके ओके, चलिए ठीक है। एट दी एंड हमें तो यही जरूरत है कि जेआरएफ हो गया है, क्लियर हो गया है, डेट इज वॉट मैटर्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी संदीप जी से बात करते हुए। अभी इनकी स्ट्रेटेजी जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो किया, कब से अपनी तैयारी स्टार्ट किया, बताइए जी। तो सर लास्ट अटेम्प्ट से पहले सर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था सर, बीबीए बीसीए एंड बीकॉम स्टूडेंट को। तो एक तो बैकग्राउंड सर वहाँ से प्रिपेयर हो गया, एंड पीएचयू का सर सिलेबस भी ऐसा है कि आपको लाइक, और वहाँ के प्रोफेसर भी मोटिवेट करते हैं रेगुलरली नेट जाने के लिए। तो सर एक तो वहाँ से इनिशियल थे, और सर लास्ट मोमेंट से सर लाइक पिछली बार नेट क्लियर हुआ था सर जेआरएफ, तो सर एक बड़े मार्जिन से रह गया था। तो सर मैंने एनालाइज किया कि कहाँ गलती आ रही थी लाइक सर, खास करके पेपर टू में, बिकॉज पेपर का पैटर्न सर बहुत डायनामिक है आजकल, पहले की तरह पेपर नहीं आ रहे जो पेपर 2020 तक आया करते। तो सर मैंने यूट्यूब वगैरह एक्सेस करा, और सर फिर मैंने, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने सर आप पे पढ़ा था, तो आपका चैनल रिकमेंड किया सर। इनिशियल में सर लाइक नोबडी सीज की क्या कंटेंट कौन पढ़ा रहा है, बट इट वॉज योर वॉइस ना सर कि जिसने मुझे सबसे अधिक अट्रैक्ट किया, बिकॉज आपका पढ़ाने का जो तरीका है सर, आपकी वॉइस है बहुत मेलोडियस है सर, वो विदाउट गेटिंग बोर्ड बहुत देर तक हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो सर मैंने आपके चैनल से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी सर, स्पेशली सर जो आपकी 522 सीरीज है, 5 5 मिनट सीरीज है, तो मैंने सर उसे पूरा गो थ्रू करा, और मेरे फ्रेंड्स का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर, वो टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, अलग तरह के क्वेश्चन मतलब प्रोवाइड करना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, उन्होंने पहले क्रैक कर रखा है, तो ओके ठीक है, वहां से रहा सर। ओके ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। तो जैसा आप अभी बता रहे थे कि पहली अटेम्प्ट में आपने नेट क्लियर कर लिया था और इस बार आप जेआरएफ तक पहुंच गए, तो क्या आपको लगता है कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर है जो आपको नेट से जेआरएफ तक लेकर जा सकता है? क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद नेट पे अटके हुए हैं, 1 2 3 4 अटेम्प्ट भी लगा दिए पर अभी नेट पे रुके हुए हैं। तो अभी जेआरएफ तक बढ़ने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ पे फोकस करें कि जेआरएफ के चांसेस बढ़ जाएं? सर मेरे जो मटेरियल से जैसे मैंने पढ़ा था लाइक, मेरी पीपल हैव मच मोर नॉलेज देन मी, हो सकता है सर कि सबके पास बेहतर तरीके हो सर, बट वन थिंग दैट डिफर इज आवर एनालाइजिंग एबिलिटी सर, कि कैसे एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या फेवर में क्या अगेंस्ट में है। एंड सर मेरे हिसाब से यही रहा कि थोड़ा मुझे अपना एनालाइजिंग पावर बढ़ाना चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन ये जब प्रैक्टिस कर रहा था सर, तो मैंने सॉल्व करते वक्त की लाइक क्वेश्चन को एनालाइज करना स्टार्ट करा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, ऐसे जनरली लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं। एंड सर ओके मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है कि वर्क ऑन योर एनालाइजिंग पावर, वही आपको स्कोर कराने वाला है, बिकॉज सबने वही पढ़ा है, बुक सभी के पास है, रिसोर्सेज जो है सभी के पास है, बट जो एनालाइजिंग पावर है वही एक दूसरे को डिफर करती है। ओके तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोंट जस्ट सॉल्व या डोंट जस्ट लर्न, एनालाइज। आप एनालाइज कीजिए जो भी चीजों को आप पढ़ रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस को आप लगा रहे हैं। और अभी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आप जिक्र कर रहे थे, पैटर्न में चेंज आ रहा है,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको क्या लगता है कि समय देना चाहिए आज आज के टाइम में इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अभी पैटर्न चेंज हो रहा है तो उनका इंपॉर्टेंस इतना नहीं रहा है? सर इम्पोर्टेंस को सर उनका कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि देख ये तो बैकग्राउंड कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक्स को लगा एनडीए टच कर रहा है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट करें, बट जब हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे तो टीचर्स को भी पढ़ाते हैं, लाइक मैं जहाँ पे भी मैंने पढ़ा, लाइक आप पे भी मैंने करा सर मेरे लिए, तो आप साथ में कुछ ना कुछ और ऐड करके बताते हो आस पड़ोस की चीज़ें, तो एक थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। स्पेशली सर तीन चार सब्जेक्ट्स मैं कहूँगा, जैसे आपका बिजनेस इन्वायरमेंट हुआ, स्टैट्स हुआ, पेपर वन के लिए आरएम वाला पार्ट हुआ, आपका अकाउंट्स हुआ, तो ये सभी में चीज़ें बहुत फिक्स है, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर तो जरूर अच्छे से लगा के जाना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग में चीज़ थोड़ी डायनामिक है सर, तो इवन फिनांस में सर मतलब चीज़ें फिक्स होती हैं कि एक ही पैटर्न चलता रहता है हमेशा, आस पड़ोस से पूछता रहता है, तो ऐसा कर ठीक है, सकता है कि कुछ ठीक है, पेपर्स हैं जो फिक्स हैं कि यहीं से आना है। ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली लगाने चाहिए, चाहे एग्जामिनेशन डायनामिक हो चुका है, बट स्टिल आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। और उसी से आई थिंक एनालिसिस करके इन्होंने ये निकाला कि किसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आएगा, किसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो एनालिसिस इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का किया और उसको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड किया, तो काफी अच्छी बात है ये बता रहे। तो अभी संदीप जी से ये भी जानते हैं कि एनालिसिस वगैरह तो काफी करते रहते थे आप, तो अच्छा खासा समय भी लगता होगा आपको पढ़ाई में, तो कुछ ऐसा नंबर ऑफ आवर्स आपने डिफाइन किया हुआ था कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा या 15 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कुछ था क्या? सर बात करें तो सर सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ रखा है तो ये 10 घंटे 15 घंटे सर लाइक इज नॉट नेसेसरी। एंड सर मेरी तो जॉब भी थी लाइक 9 to 5 कॉलेज में पढ़ाना, तो सर वहाँ से आने के बाद आप 10 से 15 घंटे तो सर मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। एंड तो सर जो भी मेरे पास लिमिटेड 4-5 घंटे का टाइम लगा था, तो उसी में मुझे मैनेज करना था, ओके और टाइम की स्कैसिटी थी सर, लिमिट थी। एंड सर एवरीवन इज ह्यूमन सर, हम पूरा टाइम सिर्फ पढ़ते ही नहीं रह सकते, वी नीड रेस्ट, तो सर रिलैक्स रहिए और तो लोगों से बात कीजिए, एक अच्छी कंपनी रखिए, थोड़ा सा जो लोग आपको मोटिवेट करें, थोड़ा गाइड करते रहे, क्वेश्चन कराते रहे कि ऐसे पढ़ लूँ ऐसे पढ़ लूँ, तो सर एक कंपनी रखिए बहुत ज़रूरी है सर, ऐसे एक इन्वायरमेंट हो आपके पास जो आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता रहे करने के लिए जी, चीज़ें। बाकी ठीक है, 10-15 घंटे अगर कुछ पढ़ रहा है सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाए तो गगन से आप जियारत नहीं कर सकते, स्टिल यू कैन डू इट, क्योंकि ठीक अपने है बीकॉम एमकॉम में 3 चीज़ें पढ़ सकते हैं। जी। तो अभी काफी अच्छी बात है जैसे आप हमें बता रहे हो, और अभी टाइम को लेकर भी बात चल रही है, तो अभी जैसे आपने भी JRF कर लिया, तो अभी काफी सारे एस्पिरेंट्स आपसे भी सवाल पूछेंगे कि कितने समय पहले हमें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या आपको क्या लगता है कि आइडियली जो एक सीरियस एस्पिरेंट है, अभी जैसे अगला एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि अपना तैयारी तभी स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ गया या हमें एनटीए की तरफ से 100% क्लैरिटी मिल गया कि भैया 1 महीने 2 महीने बाद पेपर है। तो आपको क्या लगता है कि तैयारी अगर तभी स्टार्ट करी जाए तभी आपका क्लियर होगा, या पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए थोड़ा सा तैयारी, तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ये मानना है कि जिस दिन से आपने मास्टर्स में इनरोल कर लिया तो इट इज डेफिनेटली श्योर कि आप टीचिंग ओरिएंटेड फील्ड में ही जाना चाहते हैं, और जब आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि टीचर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, ये जो होनी चाहिए मेरे अंदर, तो आप जब मास्टर्स में इनरोल कर तभी से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। सर इसका क्रेडिट सर मैं अपने BHU के प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा देना चाहूँगा कि सिंस द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने लगातार हमें मोटिवेट किया कि JRF ही निकालना है, नथिंग लेस। ओके तो जब आप मास्टर्स में इनरोल कर रहे हो तभी से आप स्टार्ट करें, एग्जाम टाइम में थोड़े आवाज अपने बढ़ाओ, स्ट्रेटेजी में चेंज लग रहा है वो करो, क्वेश्चन पेपर लगाओ, दैट इज द थिंग। प्रिपरेशन तो सर आप एकदम एग्जाम के जस्ट पहले करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बातें संदीप जी ने बता रही हैं, बता दी हैं। और अभी संदीप जी से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने ये वाला गोल तो अकम्प्लिश कर लिया, तो अब आगे आपका क्या गोल है लाइफ के अंदर जिसकी तरफ अभी आप बढ़ने वाले हैं? सर करेंटली आई एम एनरोल्ड इन रिसर्च इन IIT धनबाद सर, तो अभी सर यहाँ पे चल रहा है PhD सर, अभी ओके, इसी मंथ सर मैं एनरोल हुआ हूँ, तो ओके, साथ में जा रहा हो गया तो सर इट इज ऑल्सो गुड, ओके, ओके, ओके। आगे सर चलिए, वी इसी विश फील्ड यू में ऑल द काम बेस्ट कि करूँगा। आप अपना जो वहां पे अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ड्रीम आपका जो है आगे, वो भी आप उसे पूरा कर लें, अकम्प्लिश कर लें। तो जाते जाते कुछ आपके फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आप शेयर करना चाहेंगे, हालांकि काफी सारी बातें आपने ऑलरेडी बता दी हैं और बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें थी, और ऐसी बातें थी जिसने प्रॉपर एनालिसिस किया हो वही बता सकता है। तो अब जाते जाते कुछ आखिरी शब्द आप क्या बताना चाहेंगे?
सर मैं एक सिंगल वर्ड बोलना चाहूंगा कि आपको फेथ होना चाहिए, एंड फेथ ऑन योर सेल्फ, फेथ ऑन गॉड, फेथ इन योर स्टडी मटेरियल, फेथ ऑन योर टीचर। क्योंकि एक अगर आपको फेथ नहीं होगा तो आप खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो आपको लगे कि टीचर पढ़ा पाया कि नहीं पढ़ा पाया। तो सबसे जरूरी है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो, और सबसे जरूरी है कि भगवान पर विश्वास, खुद पर विश्वास। तो आई थिंक अगर आप इतना कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम आप बहुत इजीली पास कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी अच्छी बातें हमें पता चली संदीप जी से। तो अब समय आ गया संदीप जी से विदा लेने का। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी। थैंक यू सर, इट वाज ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। आपसे सर सामने से पढ़ा है सर, आज सामने से आपसे बात करी सर, काफी अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज जुड़कर। तो इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, आपको मिलवाएंगे नए टॉपर से नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।